हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेज होती है। आपको मैं बताने वाला हूं आज कि किस तरह से हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं, एक लाइव क्लास लेते हुए। ये हमारा गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के हमने मीटिंग इन्वाइट लिया और हम जो है, हमारे जो क्लास के लोग हैं, मेरे पास लिस्ट ऑफ क्लास निकाल लेता हूँ। ये लिस्ट ऑफ क्लास है हमारे। इनको मैं मेल करता हूँ। मेलिंग के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो ये मैक्रो बना रखा है। कंट्रोल एम प्रेस करते ही मेरे सारे जीमेल आईडी पे मेल कर देता है। अब ये क्या है कि उनके पास एक लिंक गया होगा। अभी जो है, इन जितने भी लोग हैं हमारे क्लास के, सबके पास एक लिंक गया है। अब उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है ना, सेम कंप्यूटर स्क्रीन उनके पास चला मिलेगा। और तो वेट करते हैं उनका आने का। तो 2 मिनट में बाकी लोग जो है यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो 3 लोग ज्वाइन किए हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। कविता जी, कृष्णा जी और सौरभ जी ने ज्वाइन किया है, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आप लोगों को मेरा कंप्यूटर स्क्रीन सही से दिख रहा है ना? तो लास्ट क्लासेस में क्या क्या किया था? आई थिंक मैंने वी लुकअप कराया था ना आपको। ओके, वी लुकअप आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया था मैंने शायद। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है आज, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। मेरे पास एक कुछ लोग एक लड़के ने मुझे फोन किया था और मुझसे पूछा, उनके पास ऐसे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को वो सम करना चाहता है आपस में। क्या सर? तो नॉर्मल एक्सेल से तो नहीं होगा, एक्सेल इसमें लगाना पड़ेगा, एक्सेल का दूसरा मेथड। मैं आप लोगों को दे देता हूँ ये चैलेंज, आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है? तो वी लुकअप हमने आपके साथ डिस्कस किया था और वी लुकअप में मैंने बहुत सारी चीजें भी डिस्कस की थी। वी लुकअप लिस्टिंग आई थिंक नहीं कराया था आपको मैं ना, राइट? हाँ, वी लुकअप आपकी 2 क्लासेस ली है ना आपकी मैंने। हाँ, एक में सिंपल वी लुकअप पढ़ाया, दूसरे में वी लुकअप, एज लुकअप, मैच इंडेक्स, मैच ऑफसेट, इनके बारे में बताया था मैंने। ओके, अब चलिए वी लुकअप एक कुछ कुछ कंसेप्ट के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। हम बात करते हैं वी लुकअप में मल्टी लुकअप के बारे में, मतलब कि मल्टी क्राइटेरिया लुकअप के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ सिटी को लुकअप किया तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसमें कि नोएडा नोएडा
और मंथ में जैसे कि फरवरी है हमारा, नहीं नोएडा, अगस्त में कितना सैलरी लिया है? ठीक है, तो दो कंडीशन को कैसे मैच करेंगे? तो क्वेश्चन ये क्या है, मतलब कि सिंपल सी मेथड समझिए कि वी लुकअप किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा कंडीशन को लुकअप नहीं करेगा। तो हमें इसके लिए एक जो है ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे यहां से कि स्टार्टिंग में हम राइट क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे कि दिल्ली और मंथ को कंबाइन करेंगे। हाँ, कॉनकरेंट में आएंगे। तो इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे कॉनकेटेनेट, और इस पे हम डैश देते हैं और मंथ लेते हैं और फिर इसके नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। और यहां हम करते हैं वी लुकअप, वी लुकअप इसमें हम लुकअप वैल्यू इसको और इसके साथ हम कॉनकेटेनेट लगाते हैं अगस्त को, कंबाइन करते हैं और फिर टेबल एरे पे आ जाते हैं एंड कॉमा, इसमें 1 एंड 2 3 एंड 4 इधर सैलरी, 4 देते हैं कॉमा 0। तो ये नोएडा अगस्त में 70,000 की सैलरी थी और नोएडा अक्टूबर में 63,000 की थी। समझ गए सर? तो हमने यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके यूनिक बना दिया और फिर यहाँ वी लुकअप लगाते समय हमने यहाँ भी इसको दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया। अब इस तो सर ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मुझे दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी है, अगर हम दिल्ली को लुकअप करेंगे तो न्यू दिल्ली लुकअप नहीं होगा, जैसे कि हमने यहाँ दिल्ली अप्रैल में किया तो यहाँ 58,000 आ रहा है, बट यहाँ पे आप जाइए दिसंबर, दिसंबर में आते हैं यहाँ पे दिसंबर, तो दिसंबर में दिक्कत क्या हो गया, इन्हें आ गया क्यों कि दिसंबर में न्यू दिल्ली था। तो कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ स्टार लगा देता हूं तो आ गया, बत्तीस हजार। तो वी लुकअप चाहे कंकनाडेट करके लगाया है या नॉर्मल लगाया है, ठीक है सर? तो अगर दोनों तरफ लगाया तो ये बताएगा, ये होगा कंटेन, मतलब कि कंटेन दिल्ली हो गया। अगर मैंने यहां पे स्टार ये दिल्ली किया तो ये हो जाता है स्टार्ट विथ दिल्ली, और फिर मैंने अगर मान लीजिए कि दिल्ली लगा के फिर स्टार लिया ए,
मतलब कि दोनों तो कंटेन, अगर हमने आगे स्टार लगाया पीछे दिल्ली, मतलब कि एंड विद दिल्ली, और मैंने आगे दिल्ली लगाया पीछे स्टार लगाया, इसका मतलब स्टार्ट विद दिल्ली, और हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन मार्क मतलब वो डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। प्लीज सर म्यूजिक मत दीजिए, कॉपीराइट हो जाता है। सरेंडर के मोबाइल आप लोग सर। वीडियो अपलोड होने पे रिजेक्ट हो जाता है अगर बैकग्राउंड में कोई मोबाइल का म्यूजिक अगर रिंगटोन बजता है तो। 23 समझ में आ गई आपको? अब हम बात करते हैं वी लुकअप लिस्टिंग के बारे में। तो चलिए वी लुकअप लिस्टिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए एक नई शीट पर डेटा लेके जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है, देखिए कई बार डिपार्टमेंट हमारा रिपीटेड है। तो अब मैंने इसको कॉपी करके यहां रखता हूं और पॉलम यहां पे रखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे डिपार्टमेंट मैंने आईटी किया, तो यहां पे आईटी का टोटल आना चाहिए, बट वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक ही सीरियल नंबर को शो करेगा, एक बार में एक ही को शो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आईटी इसमें कई बार रिपीटेड है, जितना बार रिपीटेड है मुझे उतना बार इसको शो करना है। समझ गए? तो इसके लिए क्या करें हम? तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ का। काउंट इफ में मैं सर्च करूंगा कि आखिर डिपार्टमेंट जो है कितना बार है, 17 बार है, और यहां पे मैं मैनुअली 1 लिखूंगा, और सबसे पहले दूंगा फॉर्मूला इफ का कि इफ अगर ऊपर वाले में +1 जोड़ने पे अगर ओ ग्रेटर देन 17 होता है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाले में +1 करो, और फिर इसको ड्रैग करने से पहले हमें O1 को फ्रीज करना पड़ेगा F4 से, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे, लेकिन इसमें एरर आने के चांसेस है तो इसमें हम इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे। एक संभावित जगह पे इसको हम उसके बाद यूनिक नहीं है तो एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, और इसमें मैं काउंट इफ लगाता हूं, काउंट इफ, और इसमें हमने B2 से G2 से G2 कॉमा G2 कर दिया, तीनों ध्यान रखिएगा तीनों के इकट्ठा कर दिया, पहले वाले G2 को F4 से हम फ्रीज कर देंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे।
इससे क्या फायदा होगा कि हर डिपार्टमेंट को एक नंबर मिल गया। जैसे यहाँ आईटी को पहला नंबर है और नीचे दूसरे पे दूसरा और तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। तो हर एक अगर इसको आप ये करेंगे, फिल्टर करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैं अकाउंटिंग को करता हूँ तो देखिए अकाउंटिंग को पूरा यहाँ है सिक्वेंसली मिल गया है नंबर। तो सबको एक नंबर दे दिया आपका काउंटिंग लगाने का तरीका। जहां लगा रहे हो उस तीनों का रेफरेंस सेम रखो और पहले वाले को फ्रीज कर दो। उसके बाद हम इसके साथ हम कॉनकेटा नेट करते हैं डैश को, इसके तो इससे क्या हुआ देखिए कि एक ह्यूमन रिसोर्स एक आईटी, इस तरह सीक्वेंस नंबर हो गया। और यहां पे हमारे पास सीरियल नंबर है, तो यहां पे जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप, तो उसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉनकेटा नेट में हम डैश लगाएंगे और इसके साथ हम इसकी आईटी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां से इसका पूरा रेफरेंस लेंगे, दूसरा नंबर नेम या फिर मैच लगा देते हैं नेम से बचने के लिए, कि मैच हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया कॉमा, इस पूरे रेफरेंस को लेता हूँ कॉमा जीरो एंड कॉमा जीरो बिल्कुल के लिए। और आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा, हमें इसमें एम को फ्रीज करना पड़ेगा ताकि चेंज ना हो। फिर ओ को पूरा फ्रीज करना पड़ेगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ N5 है इसको फ्रीज करना पड़ेगा और इसको फ्रीज करना पड़ेगा और फिर इसको आगे तरफ करना पड़ेगा और नीचे करना। लेकिन इसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो आप इसमें जैसे कि अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां नंबर नहीं था नीचे एरर आ गया ना, अब इस एरर को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला इफ एरर का लगाते हैं और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो एरर आ गया। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हो जैसे कि सेल्स, एंटर मारा सेल्स का आ गया, कम तो कम आएगा ज्यादा तो ज्यादा आएगा। समझ गए, किसी को डाउट इसमें? कृष्णा गोपाल जी कोई डाउट सर? ये हो गया। अब ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं, ये फाइल जो है मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। मुझे आप लोग क्या करें कि इसके अंदर जो आपके ये लगे हैं, क्या लगे हैं यहां पे टोटल डालना है आपको, तो 13 के बाद 14 हुआ ना, तो नीचे इसका टोटल भी इंक्लूड हो जाए। और जैसे टोटल ऊपर नीचे डेटा ऊपर नीचे होता है, हमारा टोटल भी ऐसी तरह से ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, आपका जो गूगल में जो आप जहाँ पे ड्राइव है आपका जो एक्सेस करते हैं पुराने वीडियो देखने के लिए, उसके लिंक क्या है, मतलब उसको कैसे मेघा में है करते सर, मैं आपको कल भेज दूंगा उसकी लिंक। आज तो मैं अभी अभी मैं उसको नहीं हैं? कर पा, मेगा ड्राइव में है, कल मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, कल कर लूंगा सर। ओके ठीक, कल बीजी भेज दीजिए आज से, मैं ठीक आपको है, पिंग कर दूंगा वैसे इस ठीक पे है, व्हाट्सएप ठीक है, ठीक है, पे मैसेज कर दूंगा, एक बार भेज दीजिएगा लिंक। ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय, गुड नाइट।
तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मैंने करीब 4-5 बच्चों को पढ़ाया, रात के 8 बजे क्लास था, 8:30 का क्लास तक का था, 9:30 तक चला, और हर दिन ऐसी 30-35 to 45 मिनट की क्लासेस में देता हूँ मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन। और आप भी हमारी क्लासेस इस तरह से ले सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1, और क्लासेस डेली बेसिस पे हम लेते हैं ताकि आप हर एक टॉपिक को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां से ज्वाइन करें, या फिर हमारे साथ हमारे DVD परचेज करना चाहे वो भी परचेज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट वगैरह तो कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और आपको हमारी ट्रेनिंग लेना है तो मुझे सर कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।